Our teacher always told us. To watch the English version of this episode, click on the video below. और हिंदी में देखने के लिए इस वीडियो को जारी रखिए। हमारी टीचर जो है वो हमें हमेशा कहती रहती है कि देखो तुम्हारे परफॉर्मेंस के आखिर में तो तालियां बजेंगी। क्यों बजेंगी? क्योंकि शायद तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से गाया हो और ऑडियंस को बहुत पसंद आया हो, या फिर आखिरकार तुमने अपना गाना ख़त्म किया और उसी खुशी में तालियां। तो सारे कलाकार जो हैं मुझसे सहमत होंगे अगर मैं कहूँगी कि 2-3 मिनट के लिए क्यों ना हो, पर ऑडियंस को एंटरटेन करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो क्या आप सोच सकते हो कि किसी भी शास्त्रीय संगीतकार के लिए 1-2 घंटे लगातार गाना और ऑडियंस को उसी माहौल में रखना कितना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा? 1 घंटे के लिए एक राग की प्रस्तुति करना कैसे कर पाते हैं ये शास्त्रीय संगीतकार? कौन सी ऐसी तकनीकियाँ होती हैं जो वे इस्तेमाल करते हैं जिससे राग का विस्तार तो होता ही है पर वैरायटी भी आती है और ऑडियंस बोर भी नहीं होती? तो इन्हीं तकनीकियों के बारे में आज हम जानेंगे इस एपिसोड में, जिसका नाम है द बेसिक थियोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, मेरे यानी अनुजा कामत के साथ। मेरे इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं एक सूचना देना चाहती हूँ। मैं खुद एक विद्यार्थिनी हूँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, तो ये जो वीडियो है वो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दृष्टिकोण से है। कर्नाटिक संगीतकार जो है उनकी अपनी एक तकनीकें होती हैं जिससे वे राग का विस्तार करते हैं और हमारी अलग होती है, तो इस वीडियो में हिंदुस्तानी तरीकों का जिक्र किया गया है। अगर आप किसी भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महफिल में जाए तो आप पाएंगे कि राग विस्तार के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला है आलापी, दूसरा बंदिश का गान, फिर है लयकारी और चौथा और आखिरी है तान। इन्हीं तत्वों के बारे में हम गहराई में जानेंगे इस एपिसोड में। पहला जो है वो है आलाप या फिर आलापी। अभी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया वो था राग यमन का एक आलाप। आलापी राग विस्तार का एक ऐसा तकनीक है जिसमें बिल्कुल धीमी गति में राग का विस्तार किया जाता है। जो राग आलापी होती है वो राग के प्रेजेंटेशन के पहले भाग में ही आ जाती है, और राग के प्रेजेंटेशन का सबसे ज़्यादा समय जो होता है वो राग आलापी में जाता है। अनेक से गायक जो हैं वो आलापी करने के लिए आकार का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है आ अक्षर के उच्चारण से वे आलापी करते हैं। केवल आकार में आलापी करेंगे तो कुछ क्षण के बाद आलाप बिल्कुल निरस लगने लगेगा। तो संगीतकार जो है वो आकार के अलावा इतर तकनीकों से भी राग आलापी करते हैं, और वो तकनीकें हैं नोम तोम की आलापी, यानी कि नोम तोम जैसे अक्षरों का प्रयोग। ये अक्षर जो होते हैं वो वैसे तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये जो नोम तोम की आलापी है वो आप देखेंगे ध्रुपद गायन में। ध्रुपद शैली जो है वो हिंदुस्तानी में राग प्रस्तुतिकरण की एक शैली है, तो उसमें आप नोम तोम की आलापी देखोगे। नोम तोम की जो आलापी है वो कुछ इस प्रकार की होती है। दूसरी तकनीक जो है वो है बोल आलाप की तकनीक। जैसे ध्रुपद शैली होगी वैसे ख्याल की एक शैली होती है, जिसमें क्या होता है कि पहले आलापी करते हैं, फिर बंदिश गाते हैं, और बंदिश गाने के बाद फिर से आलापी करते हैं। तो बंदिश और आलाप एक साथ जाने लगते हैं फिर।
तो ऐसे आलापी में जो होते हैं बंदिश के स्वर गाए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं बोल आलापी। तो बोल आलाप जो है वो कुछ इस तरह के होते हैं। मन तू गारे हरि नाम, नाम मन गारे हरि नाम। अब जो आखिरी तरीका है आलाप लेने का, उसे कहते हैं सरगम आलापी, जिसमें सरगम का इस्तेमाल किया जाता है। अनेक गायक ऐसे हैं जो सरगम लेने में विश्वास नहीं रखते, सरगम का प्रयोग नहीं करते अपने प्रेजेंटेशन में, तो वो ऐसे आलापी नहीं लेते। पर जो संगीतकार इसका इस्तेमाल करते हैं, जो गायक इसका इस्तेमाल करते हैं, वे भी एक वैरायटी के माध्यम से ही इसका इस्तेमाल करते हैं और दो तीन आलाप ही सरगम के ले लेते हैं। सरगम के आलाप कुछ इस प्रकार के होते हैं। नीरे सा सानी रे रे गा मा रे मा गा रे गा पा रे गा रे दा नी रे दा सा। अभी आपने आलाप के बारे में तो जान लिया, अब जाते हैं दूसरे तत्व की ओर, जिसे हम कहते हैं बंदिश। बंदिश मतलब बांध के रखना। तो ये जो बंदिश होती है ये किससे बंधी होती है? बंदिश बंधी है राग से, ताल से और शब्दों से। ज़्यादातर देखा जाए तो बंदिश में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वे बेहद अर्थपूर्ण होते हैं, तो एक प्रकार का काव्य होता है बंदिश में। बंदिश कुछ इस प्रकार की होती है। हे रे आली पिया बिना सखी, ऐसे बंदिशों के भी अपने अनेक प्रकार हैं। ख्याल गायकी में अगर देखा जाए, राग का प्रेजेंटेशन शुरू होता है एक बड़ी धीमी गति की बंदिश से, जिसे हम बड़ा ख्याल बंदिश कहते हैं, और फिर बड़ा ख्याल ख़त्म होने के बाद आती है छोटा ख्याल की बंदिश जो तेज़ गति में होती है। कई बार क्या होता है कि आप महफिल में जाएँ और जो गायक है वो बंदिश तो गा लेता है पर उनकी गायकी से बंदिश के शब्द कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं देते, बहुत धुंधले सुनाई देते हैं, या फिर बीच में ही शब्दों को तोड़ा जाता है। इस तरीके का गायन जो है उसको अनुचित नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि बंदिश के शब्दों का जो कार्य है वो ये नहीं है कि बंदिश को एक मीनिंग देना है, कुछ अर्थ देना है उनका, बल्कि ये कार्य है कि गायक को ऐसे अक्षर देने हैं, शब्दों के माध्यम से ऐसे अक्षर पेश करने हैं जिनका उपयोग आलापी में हो सकता है, लयकारी में हो सकता है या तान में हो सकता है। तो एक अक्षरों की वैरायटी देना, ये कार्य है बंदिश के शब्दों का। तो इस मोड पर एक ऐसा सवाल उठता है कि क्या एक बंदिश सिर्फ अर्थपूर्ण शब्दों से बांधी जाती है? जी नहीं, बंदिश जो है वो अर्थहीन शब्दों से भी बनाई जा सकती है। इसी बंदिश को कहते हैं तराना, जिसमें नोम तोम जैसे शब्द आ जाते हैं। दारे 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 द
बंदिश जो है वो राग विस्तार के आखिरी दौर में गाई जाती है, जहाँ पे टेम्पो जो होता है, लय जो होता है, वो काफ़ी तेज़ होता है। दूसरी बंदिश होती है, उसे कहते हैं सरगम की बंदिश या सरगम गीत। महफिलों में सरगम गीत नहीं गाई जाती, सरगम गीत सिर्फ विद्यार्थियों को सिखाई जाती है ताकि उनको राग का स्वरूप समझ में आए। मेरे हिसाब से एक एपिसोड के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि लयकारी क्या होती है और तान का क्या महत्व होता है एक राग के विस्तार में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देख लीजिए, उनको अपने संगीत प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपका इंतज़ार रहेगा मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक पीस बी विद यू। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ओम शांति।